शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से अरे ये क्या मुसीबत है, रसोई में पानी क्यों नहीं आ रहा अचानक? ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? अरे श्रद्धा तू मोटर तो ऑन करो, टंकी बिल्कुल खाली है। टंकी में पानी ऐसे कैसे खत्म हो गया कि पीने तक का पानी नहीं बचा? अरे भाई अचानक पानी की समस्या हो गई, अब दुकान बिगड़ नहीं जाना पड़ेगा। अचानक पानी कैसे बंद हो गया? समझना क्या, ये सब उस रागनी का किया कराया है। कर तो लिया मैंने, अब प्यासे को पानी ढूंढते हुए तड़पते हुए कुएं के पास आना ही पड़ेगा। आते ही होंगे अपनी दुखी शक्ल लेके, कुछ 10 सेकंड में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। रागिनी! आओ श्रद्धा, पानी पियोगी? तुमने हमारे घर का पानी क्यों बंद किया रागिनी? अरे मैंने कहा पानी बंद किया, वो तो तुम्हारा घर इतना गंदा था कि घर की साफ सफाई करने में पूरी की पूरी टंकी खाली हो गई। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें देखा है, तुमने टंकी नीचे से बंद कर दी है जिसकी वजह से अब दोबारा पानी भरने में दिक्कत आ रही है। देख लिया ना, तो फिर जाओ ना, प्रॉब्लम का हल निकालो। यहाँ खड़ी होके मुझ पे चिल्ला के क्या फायदा? तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रही हो श्रद्धा। तुम्हारा पूरा परिवार पानी के लिए तड़प रहा है और ये तो बस शुरुआत है। रागिनी! तुम्हारी इतनी हिम्मत, हिम्मत तो तुमने मेरी अभी तक देखी नहीं है रागिनी। अगर तुमने मुझे फिर से ये करने के लिए मजबूर किया ना, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकती हूँ। समझ में आई तुम्हें बात, या दोबारा समझाऊं? और तुम्हें क्या लग रहा था रागिनी, तुम यहाँ बैठे बैठे मेरे परिवार को परेशान करते रहोगी और मैं ये तुम्हारा तमाशा सिर्फ देखती रहूंगी? तमाशा तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ श्रद्धा, अब देखना तो तुम्हारे पूरे परिवार को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं होगा आज। लगा लो जितना जोर तुम्हें लगाना है श्रद्धा, लेकिन पानी तो तुम्हें आज बिल्कुल नसीब नहीं होगा। हे भगवान, हम सुबह से नहा तक नहीं पाए हैं, मंदिर में दिया भी नहीं जलाए हैं हम। श्रद्धा गई है रागिनी से बात करने, जरूर कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये पानी की वजह से कैंसिल ना हो जाए। यहाँ हम पानी को लेकर परेशान है और वहाँ रागिनी श्रद्धा को कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे श्रद्धा तक को गुस्सा ना आ जाए। कहीं श्रद्धा पानी का इंतजाम करने तो नहीं चली गई? अकेले ही सारे काम करोगी, मुझे भी ले आती साथ। ओ, अब मैं घर पे सब इतना परेशान थे तो मैंने सोचा। हाँ,
परेशानी तो तुम्हें छू भी नहीं सकती है ना। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको पता है मम्मी जी कह रही थी कि पहले उनकी गांव की औरतें दूर दूर तक जाती थी पानी भरने के लिए, और पानी से भरा मटका अपने सर पर उठाकर घर तक लेकर जाती थी। श्रद्धा, पहले की औरतों की बात अलग थी, तुम आज की महिला हो, इस शरीर को मत थकाओ ना, थोड़ा दिमाग चलाओ। अरे अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास दिमाग कम है? अरे पागल हूँ, इतना बड़ा खतरा मोल लूंगा? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ये देखो। अरे अबे, आपने तो पानी भर भी दिया। अबे देखो, थोड़ा दिमाग लगाती, मुझे साथ में ले आती तो तुम्हारी बाल्टी जल्दी भर जाती, पर नहीं, तुम्हें तो मुझे बातों में लगाना है। अब चलो, मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है। हाँ। रहने दो, बाल्टी भारी में उठा लूंगा। मैम, मैम ऊपर तो सभी पानी के लिए तड़प रहे हैं। मैम आज पानी के लिए तड़प रहे हैं, कल इनका जीना तक मुश्किल कर दूंगी। राइट मैम। Sorry. I'm really sorry. अबे। और कितना गिरोगी तुम रागिनी? अरे तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम इसके रास्ते में आए और बाल्टी गिर गई। और वैसे भी एक और बाल्टी है ना तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार के लिए कम पड़ेगा ना। रागिनी, तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? एक तो तुमने हमारे घर का पानी बंद कर दिया है, उसके बाद जब हम खुद मेहनत करके पानी लेकर आ रहे हैं तो तुम हमें इस तरह से परेशान करोगी? इस तरह अपने पड़ोसी के साथ बदतमीजी कौन करता है? यहाँ अपने पड़ोसी को परेशान करने के जुर्म में तुम्हें जेल भी हो सकती है श्रद्धा। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, लेकिन हाँ आप इन्हें एक वार्निंग जरूर दे दीजिए कि आइंदा कभी अगर ये मुझ पे चिल्लाए ना तो आप बिना पूछे वारंट लेके यहाँ आ जाएंगे इन्हें अरेस्ट करने। हाँ बिल्कुल, बस मुझे एक फोन कर देना और अकेली औरत को परेशान करने के जुर्म में ये दोनों सीधा जेल के अंदर। अकेली औरत? इसने पहले धोखे से हमारा घर हड़प लिया, अब हमारा पानी रोक दिया है और जेल हम जाएंगे। अच्छा, ये सारी बातें जो आपने अभी कही है, कोई सबूत है इसका आपके पास? और श्रद्धा, तुम शायद भूल गई हो कि मेरी नजर तुम पर 24/7 है, 24 घंटे सातों दिन। एक गलती की तुमने और मेरा बदला पूरा। बदले की भावना में आकर आपने एक अपराधी तक से हाथ मिला लिया। अच्छा रागिनी, मैं चलती हूँ। ये दोनों दोबारा तंग करे ना तो मुझे बताना। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? यही ना कि अब हम सब भी इस घर को छोड़कर चले जाएं? वो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा श्रद्धा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम सब इसी घर में रहो,
और एक एक करके इस घर की बर्बादी देखो। यहाँ रहना तो चाहो पर नहीं रह पाओ और अंत में टूट के इतने मजबूर हो जाओ कि यहां से भाग निकलो। तुम्हें जो करना है करो लेकिन त्रिपाठी परिवार कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। और क्या लगता है तुम्हें, तुम वो पहली हो जिसने हमारे परिवार को परेशान करने की कोशिश की है? पहले भी कई परेशानियां आई हैं इस घर पे लेकिन सबने मिलकर उसका सामना किया है और रागिनी आगे भी यही होगा। इससे पहले तुम लोगों का सामना रागिनी सिंघानिया के साथ भी तो नहीं हुआ ना, तो अब तुम्हारा परिवार घर के बाहर रहे या घर के अंदर, मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम देखना। चलो श्रद्धा, जितना इसको मुंह लगाएंगे उतना ही हमारे टाइम बर्बाद होगा। और अभय, हमारे पास सिर्फ एक ही बाल्टी पानी बचा है, घर में इतने सारे लोग हैं कैसे होगा? तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पानी का टैंकर बुला लिया है, वो आता ही होगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? अब इस रागिनी के चक्कर में अपना थोड़ी ना टाइम बर्बाद करूंगा। चलो अच्छा आप चलिए, चल के तैयार हो लीजिए। आखिर ये रागिनी करना क्या चाहती है? पता नहीं वहां घर पे रागिनी सबके साथ क्या कर रही होगी, हमें धोखा देके घर हड़पने से उसको मिलेगा क्या? हमें भी इसी बात का डर है वरुण जी। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वरुण बेटा, अपना सामान तो ले लीजिए। थैंक यू मम्मी, आज ऑफिस में मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, आशीर्वाद दीजिए कि अब सब अच्छा हो। खुश रहिए बेटा। बेटा जो कुछ भी हुआ हमारा यहाँ आना और हमसे गलती तो हुई है लेकिन इस वक्त आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, अनुज और तनुजा के साथ हम बाद में बात कर लेंगे। जी मम्मी। अरे अभय, आपका टिफिन। बदबू आ रही है। कैसी बात कर रहे हैं अभय, मैंने अभी अभी खाना बनाया है। इस रागिनी की इतनी हिम्मत इस बदतमीजी पे उतर आई है, हमारे दरवाजे पे कचरा फेंकेगी अब ये। शांत हो जाइए, आप जाइए ऑफिस, मैं साफ कर दूंगी इसे। अब प्लीज ऑफिस जाइए। श्रद्धा तुम भी? अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। ठीक हूँ मैं। अभय रुकिए,
प्लीज प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखिए। रागिनी ये सब जानबूझकर हमें उकसाने के लिए कर रही है, ताकि हमें गुस्सा आए और उसे मौका मिल जाए इंस्पेक्टर किरण को बुला के इस घर में तमाशा करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है, मैं डरता हूँ इंस्पेक्टर किरण से? बात डरने की नहीं है अभी। अभी अभी आपने कहा ना कि हमें दिमाग से काम लेना होगा, और हमारे लिए इस वक्त यही बेहतर है कि रागिनी की ये सारी हरकतों को हम नजरअंदाज करें। तुम्हें जो करना करो, मैं तुम्हें शाम में मिलूंगा। कौन हो तुम? अरे अरे अबे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? आप सब जल्दी से अपना मुंह ढक लीजिए। मम्मी पानी पीछे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रागिनी, तुमने हमारे घर का खाना खराब कर दिया। वो एक्चुअली मैंने खाना खा लिया था ना, तो सोचा अब मच्छरों को मरवा देती हूँ। बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल, सोने ही नहीं देते। तुमने बदतमीजी की हद पार कर दी है रागिनी। जब तक तुम हमसे उलझ रही थी हम चुप थे, लेकिन अब तुमने हमारे घर के बड़ों के हाथ का निवाला रोक दिया। कितना वक्त हुआ तुम्हें यहाँ पर आए? हाँ 24 घंटे। ये लोग यहाँ पर 24 सालों से रह रहे हैं। रागिनी अगली बार तुमने अगर कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना, तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी और वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालेंगे। समझ गई तू? क्या फिर से समझाऊं? अब निकलो यहां से। दूसरों को समझाने का बहुत शौक है ना तुम्हें श्रद्धा, लेकिन अब तुम अपनी गलती समझोगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ तुम लोगों का खाना खराब किया है, लेकिन अब तुम लोगों की नींदें भी मैं खराब कर दूंगी। अब आगे आगे देखना मैं क्या क्या करती हूँ। श्रद्धा तुमने कर दिखाया, उस चुड़ैल का मुंह ना तब से बंद कर दिया है तुमने, अब जरा हमें परेशान करने की हिम्मत तो करे। वो हिम्मत तो बहुत है उसमें बुआ जी, वो इतनी आसानी से रुकने वालों में से नहीं है। तो हम भी उसका सामना करने से पीछे नहीं हटेंगे। हे भगवान, ये बिजली कैसे चली गई? जरा बाहर जाकर देखो, केवल हमारे घर की बिजली गई है या पूरे मोहल्ले की? जी मम्मी पापा, बाहर तो सब जगह लाइट है, बस हमारे घर में लाइट नहीं है। पता नहीं ये क्या हो रहा है, पहले पानी चला गया, फिर मच्छर मारने की दवा से पूरा खाना खराब हो गया, और अब अभी बिजली भी चले गई। ऐसे कैसे पूरी रात कटेगी? बिना पंखे के तो नींद भी नहीं आएगी। बेटा आज सहले, कल देख लेंगे।
बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके माता रानी का नाम। आइए मम्मी जी। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, आ मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ अलामिया, भरी बरसात में इकरार हुआ अलामिया, हाँ मुझे प्यार हुआ अलामिया। आज की रात तो तुम सबने खुशी खुशी काट ली श्रद्धा, लेकिन वहां वरुण और कीर्ति की नींद उड़ने वाली है। वरुण बेटा क्या हुआ, आज इतनी देर कैसे हो गई आपको? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया हमने। ऐसे कैसे निकाल दिया? ये सब राधनी का पहले से प्लान था कि उसने मुझे इतनी ज्यादा सैलरी वाली नौकरी दिलवाई, इस तरह से तोड़ दी। मम्मी जी को डॉक्टर के पास जाना है अपना हाथ दिखवाने के लिए, अपनी गाड़ी सामने से हटाओ। मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगी। एक बार तुम कानून की नजर से बच गई हो रागिनी, और इस बार तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सजा तो मिलेगी, लेकिन किसे मिलेगी ये तुम खुद देख लेना। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।